फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एसबीआई की नई नोटिफिकेशन आई है। आप डाउटफुल हो कि मराठी किस हिसाब से सीखा जाएगा, कैसे होगा, तब उस लैंग्वेज को लेकर आप टेंशन फ्री हो जाए। हम आपको लैंग्वेज करवा देंगे। जब भी आपको ज्वाइन करना है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, गुजराती, मराठी या कोई भी लैंग्वेज को लेकर आप निश्चित हो जाए, हम आपका लैंग्वेज की प्रिपरेशन करवा देंगे। मराठी के लिए आज मैं क्लास ले रही हूँ, मैं कैसे मराठी सिखाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत स्टार्टिंग और नॉर्मल लेवल से हम शुरू करते हैं और आपको 10 तक का कॉम्प्रिहेंशन तक हम करवा देते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत स्मार्ट टेक्निक से और बहुत इजी तरीके से करना। आप टेंशन मत करिए, फॉर्म भरिए और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में, आप यूट्यूब में भी डाल दोगे या यहाँ पे आप कॉल करके आप व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि कई बार हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चलने की वजह से कई बार आंसर देने में थोड़ा सा देर हो जाती है, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका आंसर एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम आपका आंसर देंगे। बहुत पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आप अपने घर और परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। मैं मी मतलब आई, आहे मतलब हूं, ठीक है। जैसे कहेंगे मी भारतीय आहे, मतलब मी मतलब मैं भारतीय हूं, क्लियर। मैं भारतीय हूं। माजा, माजी और माजे मतलब मेरा, मेरी, मेरे। क्लियर। माजा बैंकचे नाव च्याचीचे काकीके, मेरा बैंक का नाव मतलब नाम, SBI आहे, ठीक है। ये हमारा मराठी है। मेरा बैंक का नाम SBI आहे मतलब है, ठीक है। माजे, मैंने अभी आपको बताया माजा, माजी, माजे, मेरा, मेरी, मेरे। माझे मतलब मेरे, वडिलांचे, वडिलांचे मतलब पापा का, वडिल मतलब पापा, चाचीचे काकी के, मेरे पापा का नाम डैश रिस्पेक्ट के साथ आहे दादा, ठीक है। मेरे पापा का नाम डैश आहेत, एक्स आहेत, क्लियर। माझे वडील बैंकात कोई भी चीजों को त लग जाता है, त मतलब इन, नाउन को त लगता है इसका मतलब इन। माझे वडील बैंकात मैनेजर आहे। आप अपने आप कोई भी टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंशन या ऐसे बनाओगे, टेंशन मत करो। माझे पापा, ठीक है, माझे मतलब मेरे, वडील मतलब पापा,
बैंकात मतलब बैंक में मैनेजर है. अदर लैंग्वेज वाले भी हो सकता है कि माय फादर इज वर्किंग इन बैंक. माय वडिल मतलब फादर बैंकात इन बैंक मैनेजर आहे. क्लियर. माझी आई मराठी में आई को माझी आई गृहिणी आहे या आहे. ठीक है. माझी मतलब मेरी, आई मतलब माँ, हाउसवाइफ, आहेत मतलब है. क्लियर. रिस्पेक्ट के साथ. माझे एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. रिस्पेक्ट और प्लूरल के साथ आहे. ठीक है. माझे मेरे मेरा एक भाऊ मतलब भाई, आणि मतलब और, एक बहीण मतलब सिस्टर, आहे मतलब है. क्लियर. देखो मी आम्ही. आम्ही मतलब वी, मी मतलब आई, जिसको हम कहेंगे मैं. आम्ही मतलब हम. तू विदाउट रिस्पेक्ट जिसको तू या तुम कहते हैं. हम यू आमने सामने एक बंदा. तुम ही, तुम्ही मतलब आ. तो मतलब ही, ती मतलब शी और ते मतलब इट. तो ती ते मतलब वह दे. क्लियर. ए बेसिक फॉर्मेट पर जैसे अभी जैसे माझे एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. माझा माझी माझे आपने सुना होगा. आमची मुंबई मतलब आमचे, आमचा देश का नाव. जैसे अभी तो मैं आपको थोड़ा हल्का नॉर्मल तरीके से दिखाती हूँ. आमचे मतलब हमारे, देश का नाव, नाव मतलब नाम, भारत आहे. क्लियर. अब कैसे लिखना, खुद आप कैसे बनाओगे वो मैं सिखाऊंगी. हमारे देश का नाव मतलब नाम भारत है. क्लियर. जैसे आप बोलेंगे आमची मुंबई, तो आमची राष्ट्रभाषा हिंदी आहे. मतलब आमची मतलब हमारी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है. क्लियर. जैसे बोलेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्राची मुख्य भाषा मराठी आहे. महाराष्ट्र चाची चे मतलब काकी के. महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी है. स्टूडेंट्स आपको तो मराठी आ गई. महाराष्ट्र मध्य वेगले वेगले मतलब ये ल थोड़ा अलग है. एक ही वर्ड में थोड़ा सा
फर्क है, ठीक है, वेगले वेगले मतलब डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे शब्द थोड़े ज्यादा, महाराष्ट्र मध्य वेगले वेगले महाराष्ट्र मध्ये वेगळे वेगळे जातीचे लोक राहतात, प्लुरल के साथ राहतात प्रेझेंट. महाराष्ट्र मध्ये वेगळे वेगळे मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जातीचे मतलब जाती के लोग राहतात, राहतात मतलब प्रेजेंट टेंस में रहते हैं. रहते हैं जैसे हम बोलेंगे रहते हैं, करतात मतलब करते हैं, राहतात मतलब रहते हैं, जाता जाते हैं, लाइक दैट. बाकी आप आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे. आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, जुड़े रहिए, हम आपको कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे ही शेयर करेंगे. डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, एसबीआई के फॉर्म भरिए. टेक केयर एंड बाय बाय. टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय.